कौन से बातचीत चल रही है, जल्दी हल हो जाएगा। सर चलो, दो मुख्य मांगे हैं। हाँ, हो गई ना बातचीत, हो गई है, जल्दी हल हो। ये पूरे प्रदेश में हम लोग पिछले 18 दिनों से अनिश्चितकालीन आंदोलन पे बैठे हुए हैं, जिसमें हमारा दो प्रमुख मांग है। एक वेतन मांग को लेके है और एक 2003 से 30-50 वेतन स्वीकृति। उसमें जो कर्मचारी भाई हमारे रिटायर हो रहे हैं उनसे 3-3 लाख रुपए तक वसूली हो रहा है, और वेतन मांग जो हमारा है, पिछले सरकार में भी हम इस मांग को रखे हुए थे लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो पाया। इसलिए माननीय वन मंत्री महोदय से हम सारे कर्मचारी निवेदन कर रहे हैं कि हमारे वेतन मान वाली मांग पे संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द से जल्द उसमें कोई निर्णय लें। बातचीत उच्च स्तर पे चल रहा है लेकिन सिर्फ मौखिक आश्वासन ही मिल रहा है। तो कर्मचारी लोग चाह रहे हैं कि अगर आप हमारे मांगों को जायज़ मानते हैं, हमारे मांगों से आप सहमत हैं, तो आप हमें लिखित में दे दीजिए कि भाई आपकी मांगें जो है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 6 महीने में पूरा कर दिया जाएगा, हम हड़ताल समाप्त कर देंगे। जी, हाँ मिल रहे हैं, उच्च स्तर पर वार्तालाप हो रहा है लेकिन सिर्फ मौखिक आश्वासन ही मिल रहा है। इसके पूर्व के सरकारों द्वारा ही हमको सिर्फ आश्वासन ही मिला और हम चले गए, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमको लिखित में दिया जाए। अगर आप हमारे मांगों से सहमत हैं तो हमारे मांगों को संवेदनशीलता के साथ हमारे मांग पर विचार करके उसमें जल्द से जल्द निर्णय लें। कर्मचारी भाई भी जो वन जंगल जल रहे हैं वापस लौटना चाह रहे हैं, तो हमारा पूरे कर्मचारी भाइयों से के तरफ से निवेदन है कि माननीय मंत्री जी हमारे मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जल्द से जल्द उसमें निर्णय लें। मैं संतोष सामंतराय, प्रांतीय सचिव, छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी। हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को 21 तारीख से आज 18वां दिन हो चुका है। अभी तक हमने सकारात्मक रवैये से ही हड़ताल की है और पूर्ण अनुशासन और संयम के साथ हड़ताल की है, और हमें विश्वास है कि हमारे माननीय वन मंत्री जी हमारी मांगों को अगर जायज़ मान रहे हैं तो शीघ्र से शीघ्र पूरा करेंगे। अब फिलहाल मौखिक आश्वासन से तो नहीं हो पाएगा हड़ताल का समाधान। धनरा की रणनीति हमारी यही है कि हम अभी अनिश्चितकालीन जैसे हड़ताल पर बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे, और ये हड़ताल तब तक चलती रहेगी जब तक हमें कोई लिखित आदेश नहीं दिया जाता है। मौखिक आश्वासन से तो कार्य नहीं चल पाएगा। हमारे हड़ताल में होने से जंगल में काफ़ी आग लग रही है। आग लगने से जंगली जीव अपने प्राणों की रक्षा के लिए आबादी क्षेत्रों में जा रहे हैं। आबादी क्षेत्रों में जाने से भी आवारा कुत्ते हम शिकार का भी अवैध शिकार हो जा रहे हैं उनका। तो कहीं ना कहीं यदि हमारी जायज मांगे हैं यदि उनको सुन लेती है सरकार, खासकर वेतन मान है, ग्रेड पे है, इस संबंध में तो हम लोग हमारे वन कर्मी क्योंकि जंगलों में जो लगी आग है उसको काफ़ी निपुणता से उस पर काबू पाना जानते हैं। और अभी जितना जंगल लगा है मेरे हिसाब से वन कर्मी का हड़ताल होने से पहले जो मांग पूरी हो जाती इतना जंगल जलने की इतना जंगल नहीं जलता। मीडिया TNR न्यूज़ को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे कर्मचारी साथी भाइयों की पीड़ा को माननीय मंत्री जी तक पहुँचाएँ ताकि उसमें जल्द से जल्द निर्णय हो, और मीडिया साथियों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा।